कराची से खैबर तक के अहवाल में खुश आमदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरात में घरेलू झगड़े ने हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। देवर ने पेट्रोल छिड़क कर भाभी और खुद को आग लगा ली, दोनों जां बहक। मुल्तान में बुजुर्ग मियां बीवी का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज जुर्म बन गया। हक के लिए आवाज उठाने पर पुलिस का बुरे अफराद पर तशद्दुद, वजीर आला पंजाब का नोटिस, सीपीओ से रिपोर्ट तलब। सियालकोट में बस और मोटरसाइकिल में टक्कर, 55 साल शख्स मौके पर जां बहक। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। FIA की गुजरावाला में कार्रवाई, शहरियों को गैरकानूनी तौर पर बैरूने मुल्क भिजवाने वाला एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम का दौरान तफ्तीश सानहा तुर्बत में मुलविस होने का इंकशाफ। गुजरावाला पुलिस की कार्रवाई, सेशन कोर्ट में पेशी पर आए अफराद की गाड़ी से असलहा बरामद, दो मुलजिमान गिरफ्तार। कबीरवाला में महकमा इनहार के अफसरान की गफलत, फाजिल शाह माइंस में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ दिया। नहर के पुश्ते टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। शोरकोट में मरकजी शाहरा टूट फूट का शिकार, घंटों ट्रैफिक जाम से आवाम को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का इंतजामिया से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। डेरा गाजी खान में महकमा लाइफ स्टॉक के जेर एहतमाम 130 गरीब खवातीन में मुफ्त मवेशी तकसीम। कुरानदाजी की तकरीब में MPA सरदार महमूद कादिर और चेयरमैन जिला काउंसिल सरदार अब्दुल कादिर समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। ट्रक मुसाफिर वैन पर उलट गया, वैन में सवार तमाम 21 अफराद लुकमाए अजल बन गए। हादसे का शिकार वैन हंगूरजा से सखर जा रही थी। जैकबाबाद में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, 2 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। महकमा सेहत के जेर एहतमाम आगही वॉक भी की गई। KP हुकूमत के तब्दीली के दावे धरे रह गए, सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान का इंकशाफ। कातलिंग अस्पताल में गुजश्ता 2 बरस से MS और DMS की अदम तैनाती, 11 में से 10 मेडिकल अफसरान की आसामियां भी खाली। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 32 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू, 24 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चमन का तारीखी रेलवे स्टेशन खस्ता हाली का शिकार, रेलवे हुकाम ने मामले पर चुप साध ली, आवाम का स्टेशन की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का। खबर है गुजरात से। गुजरात के नवाही गांव में घरेलू तनाजे पर होने वाला झगड़ा 2 लोगों की जान ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुजरात के नवाही गांव के रिहायशी नदीम मिर्जा ने घरेलू नाचाकी पर भाई की बीवी सबीहा बीबी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और बाद में खुद को भी आग लगा ली। अहले मोहल्ला के इत्तला करने पर रेस्क्यू कामला फौरी पहुंच गया।
दोनों अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। थाना सदर जलालपुर जट्टा ने मकतूला सबीहा बीबी के खावन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में खदशा जाहिर किया गया है कि मुद्दई मुकदमा ने अपनी बीवी और भाई को मुबैना नाजायज ताल्लुकात के शाखसाने पर एक कमरे में बंद करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तहम मजीद तहकीकात अभी जारी है। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। मुल्तान में बुजुर्ग मियां बीवी का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज करना जुर्म बन गया। हक के लिए आवाज उठाने पर पुलिस ने बूढ़े अफराद को तशद्दुद का निशाना बना दिया। वजीर आला पंजाब ने वाके का नोटिस लेकर सीपीओ से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्तान में अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले बुजुर्ग जोड़े को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बना दिया। एमडी ऑफिस के बाहर एहतजाज करने वाले बुजुर्ग जोड़े को पुलिस अहलकार जबरदस्ती मारते पीटते थाने ले गए। बुजुर्ग अफराद का कहना था कि फातिमा जिना टाउन फेज 1 में उनकी जमीन पर मुलजिमान ने कब्जा कर रखा है, जिस पर एहतजाज किया तो पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग मियां बीवी के खिलाफ थाने में दरखास्त दी गई है, जिस पर ये तफ्तीश में तावुन नहीं कर रहे। उधर सीपीओ सरफराज फल्की ने नोटिस लेते हुए मुतालिका थाने के SHO और वाके में मुलविस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी वाके का नोटिस लेकर CPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। सियालकोट में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे मारी। इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। सियालकोट में ख्वाजा सफदर रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में खालिद जावेद नामी 55 साल शख्स मौके पर दम तोड़ गया। वाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 55 साल शख्स का ताल्लुक शकरगढ़ से है, जो नवाही गांव ढड़ियाल का रिहायशी था। बाद अजां पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी है। तुरबत में 15 अफराद के कत्ल के मामले में पेशरफ्त हुई है। FIA ने गुजरांवाला से गैरकानूनी तौर पर मासूम शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। सानहे में बच जाने वाले नौजवान ने वाकई की सारी कहानी बयान कर दी और साथ ही साथ कोई भी गैरकानूनी तौर पर काम करने से तौबा कर ली। अफराद को गैर मुल्क भिजवाने का झांसा देकर गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करवाने वाला एजेंट पकड़ा गया। डिप्टी डायरेक्टर FIA खालिद अनीस के मुताबिक सानहे के मरकजी मुलजिम मोहम्मद सादिक उर्फ वहीद खान को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि वो 15 अफराद को पाक ईरान सरहद तक ले जा रहा था, जहां उसने उन्हें क्वेटा के एजेंट तालिब के हवाले किया। मुलजिम को डायरेक्टर FIA पंजाब के हवाले कर दिया गया। जानिब सानहे में बच जाने वाले नौजवान ने वाकये की सारी कहानी बयान कर दी। सम्बड़ियाल के नौजवान हैदर अली ने बताया कि उन्हें एजेंट ने नौकरी का झांसा दिया। वो डस्का गांव से लाहौर और फिर क्वेटा गए। उनके हमरा 15 लड़के थे, जबकि 15 अफराद पहले ही क्वेटा में मौजूद थे। उन्हें 2 गाड़ियों में ले जाया जा रहा था कि फायरिंग की आवाज़ आने पर भाग निकले। 15 लड़के हम इधर से गए उधर पंजूर, 15 आ गए थे, फिर उसने मिक्स की ये दोनों 30 आपस में मिक्स किए, इधर के उधर, उधर के इधर, तो 15 एक डाले में भाए, 15 एक में, तो लेकर जा रहे थे। फायरिंग की आवाज़ हुई तो मुंडे दौड़ ला दी सारे ने, असी 2 मुंडे असी भी फिर दौड़ ला एक साइड में, पता नहीं किधर किधर कोई गया किधर किधर नहीं। रोजगार की तलाश में एजेंट के हाथों धोखा खाने वाले नौजवान हैदर अली ने आइंदा कोई भी गलत काम करने की तौबा कर ली और दूसरों को नसीहत की कि वो भी कभी कोई गैर कानूनी काम न करें। गुजरांवाला सेशन कोर्ट के बाहर गाड़ी से असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गुजरांवाला सेशन कोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ी से असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने गाड़ी में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा कब्जे में ले लिया।
असलहा मुकदमा कत्ल की पेशी पर आने वाले अफराद की गाड़ी से बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हवालात में बंद करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान अपने मुखालिफीन को निशाना बनाना चाहते थे, ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। वाज़े रहे कि गुजरांवाला में पेशी पर आए फरीकैन में फायरिंग के मुतादिद वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं। शेखुपुरा में पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनियन काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान में अकलियती बरादरी की अवानों में तादाद बढ़ाने और उनके हकूक़ के तहफ़ के लिए असर नौ कानून साजी करने के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शेखुपुरा प्रेस क्लब के बाहर मेंबर जिला काउंसिल शेखुपुरा जावेद भट्टी की कयादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान के कयाम की जद्दोजहद में जिस तरह मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उसी तरह अकलियतों ने भी हुसूल वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। हमारी अकलियतों के साथ जो ना इंसाफी हो रही है, हम पूरी पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल इस प्लेटफॉर्म पर हम इस इसका पुरजोर एहतजाज करते और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जब हम हमारे जो वोटर हैं वो वोट डालने जाएं, उसको एक पर्ची तो वो MNA MPA की दी जाती है, उसके साथ अगर एक पर्ची हमें अपने नुमाइंदे के लिए दे दी जाए कि वो अपना नुमाइंदा चुन के ले आएँ, तो ये हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। पाकिस्तान में जब मरदमशुमारी हुई तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई। मैं समझता हूँ ये कि हमें या तो अदालतों का रुख करना पड़ेगा या फिर पूरे पाकिस्तान में अपने हकूक के लिए इसी तरीके से पुरअमन एहतजाज शुरू करने पड़ेंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की बुनियाद में अकलियतों का खून शामिल है, मगर इसके बावजूद अकलियतों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जा रही और ना ही ऐवानों में अकलियती नशिस्तों की तादाद बढ़ाई जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें दोहरे वोट की अदायगी का हक दिया जाए और कानून साजी करके जल्द से जल्द उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। बिहारी में तीन रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज़ भी कामयाबी से जारी है। 5 साल तक की उम्र के 5,29,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। बिहारी में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी ने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। तीन रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ज़िले भर में 1292 टीमें ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, जबकि इस दौरान 5 साल तक की उम्र के 5,29,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इंसदादे पोलियो मुहिम कौमी फरीजा है, लिहाजा सबको मिलकर कौम के नौनिहालों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपनी कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। जतोई के नवाही इलाकों में इंतजामिया की लापरवाही के बायस मुजरे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्रियों की भरमार है, जो सरेआम शहरियों में मौत बांट रही हैं। जतोई और गिरदोनवा में जाली दूध बनाने वाली दर्जनों फैक्ट्रियां कायम की गईं, जो गवालों से नाकिस और पानी की मिलावट वाला दूध खरीदते हैं और बाद में इस दूध में जहरीले केमिकल्स की मिलावट करके शहरियों में फरोख्त कर देते हैं। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना है कि जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्रियाँ केमिकल्स मिलाकर इंतहाई मुजरे सेहत दूध बनाकर फरोख्त करती हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये लोग सरेआम शहरियों में मौत बांटते हैं और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस सिलसिले में इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने सेक्रेटरी हेल्थ से मुजरे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कबीरवाला में महकमा इनहाद ने फाजिल शाह माइनर्स में ज़रूरत से ज़्यादा पानी छोड़ दिया। पुश्ते टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया, जबकि कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। कबीरवाला में महकमा इनहार की गफलत का एक और वाकया सामने आ गया। अमले ने फाजिल शाह में ज़रूरत से ज़्यादा पानी छोड़ दिया, जिससे माइनर्स के पुश्ते टूट गए। पुश्ते टूटने से नहर का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया, जिससे कई मकान गिर गए। नहर के पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल भी तबाह हो गई। अमले की गफलत से फाजिल शाह माइनर से निकलने वाला पानी गवर्नमेंट हाई स्कूल पीपल मराली तक पहुंच गया। उधर इलाके के सैकड़ों अफराद ने महकमा इनहार के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन मुजाहरीन ने SDO और दीगर अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने सूबाई हुकूमत से मामले का नोटिस लेकर नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है।
शोरकोट की अहम शहरा लिंक रोड इंतजामिया की नाअहली के बायस टूट फूट का शिकार हो गई है, जिसके बायस ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया है। शोरकोट के नवाही इलाका डबगलान लिंक रोड खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड़े पड़े हुए हैं, जिसके बायस आवाम को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर अक्सर गन्ने की ट्रॉलियां उलट जाती हैं, जिससे कई घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। दो से जारी मरीजों को सख्त परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि ये दरीना मसला हल करवाने के लिए कई बार इंतजामिया की तवज्जो मबजूल करवाई गए, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और तादाद कला लिंक रोड टूट फूट का शिकार है और गन्ने का सीजन शुरू हो गया है। रोड खराब होने की वजह से यहाँ पर अक्सर ट्रालियाँ गिर जाती हैं और हुकूमत से हमारा यह मुतालबा है कि इस रोड की जल्द से जल्द तमीर करवाई जाए। उनका मजीद कहना था कि कई बार तश्वीशनाक हालत में मरीजों को फौरी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है, लेकिन ट्रैफिक जैम आड़े आ जाती है। आए रोज हादसा रूनुमा हो रहे हैं, जबकि घंटों ट्रैफिक जैम रहने से ताजिरों को मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस तरफ तवज्जो देकर मसला हल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज पर मजबूर हैं। बूरेवाला के नवाही गांव के कब्रिस्तान में इंतजामिया की लापरवाही के बाद सीवरेज का पानी दाखिल होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बूरेवाला के नवाही इलाके दीवान साहब में बरसगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग दीवान बाबा हाजी शेर का मजार वाकई है, जिससे मुल्हिक का 40 एकड़ जमीन पर महीद कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में इंतजामिया और महकमा औकाफ की लापरवाही के बायस सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से दर्जनों कब्रें मुनहदिम हो गई हैं। ये दरबार 1991 से महकमा औकाफ की तहवील में है, जबकि महकमा औकाफ महाना लाखों रुपए फराहम करने वाले इस दरबार की देखभाल के हवाले से गफलत का मुजाहिरा कर रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि लापरवाही के मुर्तकब अफराद से जवाब तलबी करते हुए कब्रिस्तान की बेहतरी और इसे महफूज बनाने के हवाले से मौसर इकदाम किए जाएँ। हासिलपुर में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गंदम के काश्तकारों में मयारी और जदीद बीज कुरानदाजी के ज़रिए तकसीम भी किया गया। महकमा ज़राअत तौसी के ज़ेर एहतमाम पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम का बीमारियों से पाक जदीद मयारी बीज बजरिया कुरानदाजी तकसीम किया गया। डायरेक्टर डिविजनल बहावलपुर ने किसानों को बीज की बेहतर पैदावार के ज़राए और काश्तकारी के तरीक़ाकार से तफसीलन आगाह किया। तकरीब में 500 से ज़ायद किसानों में गंदम बीज बैग तकसीम किए गए। इस मौके पर उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत किसानों की सहूलत के लिए दिन रात कोशा है और रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर से बेहतर फसल के लिए किसानों की इमदाद जारी रहेगी। तकरीब में किसानों की कसीर तादाद शरीक हुई। नाज़िन, नशा सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके आदि अफराद अपने साथ साथ अपने घर वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। बिहाड़ी की रिहायशी खातून तीन बच्चों की मां रुबीना कौसर शौहर के नशा करने की आदत की वजह से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। बेबस खातून ने हुकूमत पंजाब से शौहर का इलाज करवाने की अपील की है। सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रहने वाली तीन बच्चियों की मां रुबीना कौसर विहाड़ी के इलाके मक्का टाउन की रिहायशी है। इसका खावंद अस्कर अली अरसा दराज से नशे का आदी है। अपने नशे को पूरा करने के लिए घर के बर्तन तक बेच डाले हैं। बेबस खातून का कहना है कि उसका शौहर नशा पूरा करने के लिए उससे पैसे मांगता है, न देने की सूरत में उसे बच्चों को यहाँ तक कि अपनी बूढ़ी माँ को भी तशद्दुद का निशाना बनाता है। उसका कहना था कि वो उसके डर से जिन लोगों के घरों में काम करती है अक्सर उन्हीं के घर में सो जाती है। नशे के आदी की बीवी बच्चे और बूढ़ी माँ इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। माँ लोकां दे घर रात नूं सौंदी आ, दिने लोकां घर लुक लुक के जान बचाउंदी आ। मेरा बेटा जिहड़ा मैं थक गई आ, अपना घर वेच के भी इलाज कराया नहीं ठीक हुंदा। हुण कोई ऐसा जिहा इहदा इलाज कीता जावे, ठीक हो जावे, अपने बच्चां नूं कमा के खवा सके। खातून का कहना है कि वो लोगों के घरों में काम काज करके अपना और मासूम बच्चों का पेट पाल रही है और मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी बेहद परेशान है। उसने हुकूमत पंजाब और मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो असगर का इलाज करवा दें, ताकि वो अपने बच्चों के लिए काम काज करके दो वक्त की रोटी कमा सके।
خانقاہ ڈوگرہ میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پرچم بردار موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں علاقے بھر سے عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں موٹر سائیکل پرچم بردار ریلی دربار حاجی دیوان سے نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی جامع مسجد اڈا والی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، سیدی مرشدی، یا نبی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ ریلی سے خطاب میں علماء کرام کا کہنا تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر زندگی فضول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات اپنے محبوب کی وجہ سے پیدا کی۔ ریلی پر جگہ جگہ گلپاشی کی گئی، جبکہ ریلی کے آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ڈیرہ غازی خان میں محکمہ لائف سٹاک کے زیر اہتمام غریب دیہی خواتین میں بڑے مویشی مفت تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں منعقدہ تقریب میں ایم پی اے سردار محمود قادر لغاری، چیئرمین صدر کونسل سردار عبد القادر، ڈائریکٹرز لائف سٹاک اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں تحصیل کوٹ چٹھا کی 130 خواتین میں قرعہ اندازی کے ذریعے مویشی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر لائف سٹاک نے بتایا کہ خواتین کو معاشی طور پر مستحق کرنے کی مہم کے تحت ضلع میں اب تک مختلف مراحل میں 920 جانور تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمام جانور انشورڈ ہیں اور 3 سال تک فروخت کرنے پر پابندی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جانوروں کی قدرتی ہلاکت اور اسی نسل کا ہر 15 روز کے اندر ایک اور مویشی دیا جائے گا۔ علی پور چٹھا میں پیر سید نور الحسن اور پیر محمد باقر علی شاہ کے سالانہ عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ عرس میں ملک بھر سے سینکڑوں موریدین اور زائرین نے شرکت کی۔ عرس کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دیگر مقررین نے کہا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عرس پاک کی تقریب میں سینکڑوں علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عرس کی تقریبات میں شریک افراد کے لیے فری ڈسپنسری کا انتظام کیا گیا، جہاں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر کے فری ٹیسٹ کیے گئے۔ عرس میں زائرین کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ سجادہ نشین عظمت علی شاہ نے عرس پاک کی اختتامی دعا کروائی، جس میں ملک و قوم کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بلٹن میں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ دھرنے کے باعث جڑواں شہروں میں بدترین ٹریفک جیم ہو گیا ہے۔ مری روڈ، راول روڈ، ڈبل روڈ اور اندرون شہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ حکومت اور دھرنا قیادت کے مذاکرات کی ناکامی کی وجہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے اور یہاں پر تمام ٹریفک بلاک ہو گئی ہے۔ یہ تمام مین روڈ ہیں اسلام آباد شہر کے جو کہ بلاک ہیں، کیونکہ دھرنا اس وقت جاری ہے مذہبی جماعت کی جانب سے۔ تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے رانا عثمان سے۔ عثمان، مذاکرات کا کوئی دور کامیاب نہیں ہو سکا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک جام ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل شائستہ، 15واں روز ہے آج دھرنے کا، اور جو 15 روزوں سے جو روز گزر چکے ہیں اس میں جو جڑواں شہر کے باسی ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ہر طرف ٹریفک بلاک ہے، ہر طرف جہاں جاتے ہیں شہری وہاں پر کنٹینر لگا کے روڈیں بند کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اگر راول پنڈی شہر کی صورتحال بتائی جائے تو مری روڈ، راول روڈ، ڈبل روڈ اور اندرون شہر میں جو ہے شدید ٹریفک جام ہے۔ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو 9th Avenue، فیض آباد روڈ اور جو 0 پوائنٹ ہے، تمام جو سڑکیں ہیں وہ بند ہے، جس کی وجہ سے منٹوں کا جو فاصلہ ہے وہ گھنٹوں میں طے کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو آج مذاکرات کا دور کل سے شروع ہوا تھا، کل بھی جو ہے مذاکرات ناکام رہے، آج بھی مذاکرات مشاورت کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تو مذاکرات کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دھرنا جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور انتظامیہ بھی جو ہے بے بس نظر آتی ہے۔ انتظامیہ اس دھرنے کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہر اقتدار جڑواں شہروں میں اس وقت ٹریفک کی صورتحال ابتر ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آپ کا۔
और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश ये है कि बातचीत से इस मसले का हल निकल आए। ज़ाहिद हामिद ने उलमा के सामने मामले की वजाहत की है और एक फर्द का इस्तीफा मसाइल का हल नहीं है, वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से ये कहा गया है। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। अभी कुछ देर पहले आए थे कुछ उलमाए कराम, उनके साथ गुफ्तगू भी है, उसमें राजा ज़फरुल्लाह साहब और आसर इकबाल साहब शरीक थे, मैं भी था, और हमने ज़ाहिद अहमद साहब को भी उसमें ज़हमत दी थी, और ज़ाहिद अहमद साहब ने बैठ के सामने सारे इशू की वजाहत की है कानून और आइन की रोशनी में, और जिस लफ्ज़ पे एतराज़ था सॉलेमली अफर्म पे, वो आइन के हवाले से उन अहबाब को बताया गया है कि सॉलेमली अफर्म आइन में दर्ज है और इसका मतलब इकरार साले है और इसका मतलब ओथ है और ये आइन में पहले से प्रिंटेड है, जो किताब पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब है पहले से। तो अपने तई जो वजाहत की जा सकती है वो की गई है, हुकूमत की कोशिश यही है कि बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकल आए, और जो जहाँ तक इस्तीफ़े की बात की जाती है, ये एक फ़र्द के इस्तीफ़े की बात इनफेक्ट है नहीं, एक आदमी जिसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती हमारी नज़र में, कोई कसूर भी नहीं है उनका, उसको क्यों निकाल दिया जाए। दूसरी बात यह है कि अब दो फोरम है जिन पे इसकी तहकीक हो रही है, एक राजा ज़फरुल्लाह साहब की कमेटी है जो अपना काम कर रही है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो एहतजाजी मुजाहरीन हैं उनके वकील जा चुके हैं और वहाँ पे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब इसका नोटिस ले चुके हैं। मुनासिब ये होगा कि अदालती फैसले का इंतज़ार किया जाए, अदालती फैसला किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन अमल सबको करना पड़ता है और अमल होता है हमेशा, और अदालत एहतजाज करने वालों को ये कह चुकी है कि लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, आप उसका ख्याल फरमाएं। ख्वाजा साद रफ़ी की गुफ्तगू आपने सुनी। मज़ीद बात करेंगे, अनस अहमद हमारे साथ हैं। अनस बताइएगा, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी भी पहुंचे आज इस इजलास में, उन्होंने मीडिया से बात भी की, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से यहाँ पर मौजूद थे। पंजाब हाउस में जो आज मुलाकात हुई है जिसके अंदर जो है वो हुकूमती नुमाइंदगान के साथ साथ जो है उलमा और मशाइख थे जो कि धरने के अंदर भी मौजूद थे। जब इस मीटिंग से बाहर निकले तो ख्वाजा साद रफीक का यही कहना था कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है, हुकूमत ने अपनी तजावीज जरूर पेश की हैं लेकिन इन लोगों को हम समझाने से कासिर हैं कि किसी एक शख्स के इस्तीफे से तमाम के तमाम मुतालबात या मसाइल हल नहीं हो जाते। गो के ये मामला अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी की अदालत में भी पहुंच गया है और उसके अलावा सेंटर राजा ज़फरुल्लाह की सरबराही में भी कमेटी कायम कर दी गई है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि फैसला क्या आता है और उस पर सबको अमल पैरा होना होगा। जुड़वा शहरों के बासी इस सारे मामले से बहुत परेशान नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अनस अहमद तमाम तफसीलात के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे शेखपुरा से, जहां पर पाकिस्तान कैटल शो का इनेकाद किया गया। कैटल शो में नीली रावी नस्ल के दरमियान दूध के मुकाबले और खूबसूरत सांड के मुकाबले भी करवाए गए, जिसमें बिल्लू और बबलू नामी सांड इस अनोखे मुकाबले के फातिह करार पाए। लाहौर डिवीजन कैटल मार्केट के जेर एहतमाम मुनक्कदा पाकिस्तान कैटल शो में होने वाले खूबसूरत सांड के मुकाबलों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 35 भैंसे अपने मालिकान के हमराह शरीक हुए, जिसमें खूबसूरती का एजाज फैरोज वट्टुआ के बिल्लू नामी बैल के नाम रहा, जबकि जड़ावाला का बबलू दूसरे नंबर पर रहा। मुकाबलों के इनेकाद का मकसद जमींदारों और मुएशी पाल हजरात में आला नस्ल के जानवरों की परवरिश को फरोग देना था। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत इंतजामी ने बड़े डिसिप्लिन के साथ और बड़े जजमेंट जो है हम उस पर सेटिस्फाई हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इवेंट था, इस इवेंट का जो मकसद था कि हमारी जो पाकिस्तान की जो डेयरी है वो जो लो लैक्टिंग एनिमल है उसको हाई लैक्टिंग पे अपनी ब्रीड को कैसे बचाया जाए। नीली रावी नस्ल की भैंसों के दूध के मुकाबलों में फैसलाबाद के उमर नजीर की रामझन नामी भैंस ने एक दिन में 32 किलो 10 ग्राम दूध देकर मुकाबला जीत लिया, जबकि कोयल नामी भैंस 27 किलो 900 ग्राम दूध देकर दूसरे नंबर पर रही। मेहमान खसूसी MPA अफजल खोखर और जमील हसन ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। खैरपुर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 21 लोगों की जानें निकल गया। तेज रफ्तार ट्रक वैन पर उलटने से वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि हादसे का शिकार होने वाली वैन हंगोरजा से सखर जा रही थी।
शाह हुसैन बाईपास के करीब पेश आने वाले खौफनाक ट्रैफिक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर वैन पर उलट गया। ट्रक वैन पर उलटने से वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार तमाम अफराद लुकमाए अजल बन गए। हादसे के बाद पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। वैन पर गिरने वाले ट्रक को हटाने के लिए क्रेन तलब कर ली गई। इमदादी कारकुनों ने वैन की बॉडी को काटकर लाशों को बाहर निकाला। हादसे के बाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमएस सिविल अस्पताल जाफर सोमरो के मुताबिक लाशों की शनाख्त के बाद उन्हें वरसा के हवाले किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली वैन हंगोरजा से सक्खर जा रही थी। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। जैकबाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से आगही वॉक की गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद शिरकत की। जैकबाबाद में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह DHO ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। उन्होंने बताया कि ज़िले भर में 2,38,351 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उनका कहना था कि पूरे सिंध में ज़िला जैकबाबाद पोलियो के खात्मे में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल कर चुका है और आगे भी मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से आगही बढ़ाने की गर्ज से महकमा सेहत की जानिब से वॉक भी की गई। शुरका सिविल अस्पताल से मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुँचे। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करेंगे। नैब लाहौर ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब लैंड डेवलपमेंट से आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। नैब लाहौर की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया है ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। फराज निज़ाम हमारे साथ हैं। फराज, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नैब जराए की जानिब से बताया जा रहा है कि ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और नैब लाहौर ने आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज किया है। इस हवाले से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब लैंड डेवलपमेंट से आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी की तफसीलात अभी तलब कर ली गई हैं, जबकि स्पार्को ग्रुप और पैरागॉन सिटी से किए गए मुआहदों की भी तफसीलात तलब की गई और ये कहा गया कि लाहौर नैब ने पंजाब लैंड डेवलपमेंट 22 नवंबर तक रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि मजीद आगे पेशकश की जाए। बहुत शुक्रिया आपका फराज निज़ाम तफसीलात के लिए। KP हुकूमत के सूबे में तब्दीली के दावे धरे के धरे रह गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान की रिपोर्ट वक्त न्यूज़ ने हासिल कर ली। मालूमात तक रसाई ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के दावों का पोल खोल दिया है। वक्त न्यूज़ को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक तहसील कातलिंग और तहसील तख्त भाई के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान है। कातलिंग अस्पताल गुज़श्ता 2 साल से बगैर MS और DMS के चल रहा है। 11 मेडिकल अफसरों में से 10 की आसामियां खाली पड़ी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 2 एम्बुलेंसेस 2 साल से ख़राब हैं। ऑपरेशन थिएटर में हीटिंग और कूलिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। अस्पताल में मौजूद जनरेटर्स भी मरीजों के पैसों से चलाने का इंकशाफ हुआ। इन दस्तावेजात के मुताबिक अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से टेस्ट फीस की मद में 200 रुपये इजाफी वसूल किए जाते हैं। KP हुकूमत की मुबैना नाअहली पर आवाम ने शदीद एहतजाज करते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा एजाजुल मलिक अफकारी का कहना है कि दुख इंसानियत की बेहतरीन खिदमत इबादत है। माशरे के पिसे हुए तबकात की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तीमरगरा में अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला लोयरदीर के नौ मुंतखब सदर की हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की गई। शुरका से खिताब में अजाजुल मलिक अफकारी का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन ने कुदरती आफात जलजलों और सैलाब में लोगों की इमदाद यकीनी बनाई जबकि दर्जनों अफराद की जानें बचाईं। उन्होंने कहा कि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है, ताहम रियासत की जानिब से जिम्मेदारियां पूरी ना करने की सूरत में लोग इज्तिमाई तौर पर फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर ज़िले भर से ताल्लुक़ रखने वाले फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी के ज़िले सदर समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तीमरगना के जेर इंतजाम आवाम को बुनियादी जरूरियात की फराहमी और उनके मसाइल जानने के लिए खसूसी मुहिम जारी है और इस सिलसिले में म्यूनसिपल ऑफिसर तीमरगना अताउल्ला खान, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील नाजिम ने मुश्तरका तौर पर जनरल बस स्टैंड तीमरगना का दौरा किया और जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इंतजामी वक्त ने जनरल बस स्टैंड में मुसाफिरों को दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। टीएमओ ने खतीर लागत से नष्ट शुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की बंदिश पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका जिम्मेदारान को दो दिन के अंदर प्लांट से पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की कि वो लोगों से सरकारी निर्खनामे के मुताबिक किराए वसूल करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 32 अजला में पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान 24 लाख बच्चों को पोलियो से वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। कोऑर्डिनेटर एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सैयद फैसल अहमद के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 24 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस मुहिम के दौरान बच्चों को वाइटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। हुक्काम महकमा सेहत का कहना है कि इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 9000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। इस मौके पर पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और लेविज के अहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जिला सोहबतपुर में भी 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है और 5 साल तक की उम्र के 49,808 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। सोहबतपुर में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डीएचओ डॉक्टर शब्बीर अहमद मेंगल ने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाकर किया। 3 रोज जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के दौरान 132 मोबाइल टीमें, 14 फिक्स पॉइंट्स जबकि 11 ट्रांजिट और बॉर्डर पॉइंट्स बनाए गए हैं। पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर डीएचओ का कहना था कि पोलियो एक ख़तरनाक वायरस है जो इंसान को माजूर और अपाहिज बना देता है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र और वालिदैन हिस्सा लें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं ताकि सोहबतपुर से पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी का सफाया मुमकिन हो सके। योग में अवामी नेशनल पार्टी की कॉल पर करप्शन और सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स की अदम तायुनाती के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई है। शटर डाउन हड़ताल के दौरान शमसुद्दीन शहीद चौक पर जलसे से खिताब में एएनपी के मकामी रहनुमाओं का कहना था कि अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स की अदम तायुनाती से खवातीन मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर आने के बजाय कोयटा में अपना निजी क्लिनिक चला रही है। यहाँ लेडी डॉक्टर्स की 9 असामियाँ खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि यौब के मुंतखब नुमाइंदगान ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया लिहाजा अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। एएनपी ने हमेशा अवाम की हुकूक की बात की। मुकर्ररीन ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाना गरीब अफराद के बस में नहीं। उन्होंने मुतालबा तस्लीम ना होने पर एहतजाजी तहरीक को मजीद वसत देने का ऐलान किया। अजीम चमन में अंग्रेज़ दौर में बनने वाला तारीखी रेलवे स्टेशन महकमे की गफलत से खस्ता हाली का शिकार हो गया है। अवाम ने रेलवे हुकाम से स्टेशन की असर नौ तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया। अंग्रेज़ दौर में बनने वाला चमन का रेलवे स्टेशन रेलवे अफसरान की नाअहली की भेंट चढ़ गया। मुल्क के रेलवे के निज़ाम की बहाली में बावजूद चमन रेलवे स्टेशन खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। अंग्रेज़ दौर में बनने वाली इमारत के बेशतर हिस्से अब मुनहदिम हो चुके हैं जिससे इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह पड़े गढ़े इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। रेलवे ट्रैक के नट बोल्ट के बजाय धाती तारों से उसको बांधा गया है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। चमन के अवाम ने हुकूमत और रेलवे इंतजामिया से इस तारीखी रेलवे स्टेशन की बहाली और असरनौ तामीर व मुरम्मत का मुतालबा किया है।
शिमाली इलाका जात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने वादी नीलम का हुसन दुबाला कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और कश्मीर के पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का भी इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, कल्लात, इस्तौर, दीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। दरख्त और पहाड़ चांदनी से सज गए। बर्फ में लिपटी वादियों के नज़ारे बे इंतहा हसीन हो गए हैं। नारान ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली और सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। रुई के गाले बरसाते रहे, मानसहरा में बादल छाए रहे। देर में सर्दी बढ़ गई और ठंडी ठार हवाएं चलने लगीं। शांगला टॉप समय दीगर पहाड़ी सिलसिलों पर हल्की बर्फबारी है, जिसने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया है। वादी में यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने शिमाली इलाका जात का रुख कर लिया है। उधर मीरपुर में आज़ाद कश्मीर के वजीर खेल चौधरी मोहम्मद सईद और डायरेक्टर जनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मौजज़ीन इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में होने वाली तकरीब में साबिक काउंसलर चौधरी अब्दुल कयूम और नंबरदार अमजद ने मेहमानों को दही इलाकों के मसाइल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मेहता जागीर, खानपुर, अंबरखार को माजी की हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया। मंगला डैम के लिए दूसरी मरतबा घर बार की कुर्बानियाँ देने वाले बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वजीर खेल चौधरी सईद और डायरेक्टर जनरल मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एजाज रजा ने यकीन दिलाया कि तमाम देही इलाकों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2018 तक मीरपुर की तमाम सड़कों को पुख्ता किया जाएगा। आवाम मसाइल का हल उनकी अव्वलिन तरजीह में शामिल है। आवाम को पसमानदा रख कर सियासत करने वालों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुलाम मुर्तजा, सदर अंजुमन ताजिरान चौधरी नईम और दीगर ने भी शिरकत की। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।